सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स का इंट्रोडक्शन। सो ये पूरी की पूरी इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। इसमें हम जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ इसको अभी आज समझने जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, देन आपको क्यूब्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, एंड थर्ड थिंग आपको प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब्स मिलेंगी। सो आज हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके इंट्रोडक्टिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्यूब एंड क्यूब रूट से हमारा चैप्टर का नेम है। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट। सो वी नो स्क्वायर ऑफ अ नंबर मीन्स अ नंबर मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ। सो ये अभी हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर में पढ़ के आए थे कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर हम बोल रहे हैं तो मतलब वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ फॉर थ्री टाइम्स, अगर कोई नंबर अपने आप से थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, सो वी गेट द क्यूब ऑफ द नंबर, तो हमें उस नंबर का क्यूब मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले 2 into 2 तो ये बन गया 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इसका मतलब। लेकिन अगर हम इस 2 को यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और अगर हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब, मीन्स 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी क्यूब्स ऑफ रैशनल नंबर्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड सम पैटर्न्स ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। सो आज इस चैप्टर में आप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। वी विल डिस्कस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फाइंडिंग क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फॉर गिवन नंबर्स। हम डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे क्यूब्स और क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए अलग अलग नंबर्स के। सब क्यूब के बारे में देखते हैं। फॉर अ रियल नंबर द प्रोडक्ट a into a into a इक्वल्स टू a क्यूब इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ a, और a द क्यूब और a क्यूब्ड। ये सारे नेम्स हैं जो हम कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a की जगह मैं 2 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, देन क्यूब ऑफ 2 और 2 द क्यूब और 2 क्यूब। सो ऐसे ऐसे हम कई नेम से बुला सकते हैं उसको, जैसे कि हाँ इन्होंने 3 का एग्जांपल दिया, 3 into 3 into 3 27 इक्वल्स टू 3 का होल क्यूब, 5 into 5 into 5 इक्वल्स टू 5 का क्यूब, और वो किसके इक्वल होता है 125 के। सो ऐसे 7 का दिया हुआ है, 343 7 का होल क्यूब। थस द क्यूब ऑफ 3 इज 27, क्यूब ऑफ 5 इज 125 एंड क्यूब ऑफ 7 इज 343। मतलब जब हम तीन नंबर दिए हमें, जब हम तीनों को अपने आप से 3 बारी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें ये वाले इनके नंबर्स मिल जाएंगे। सो ये जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स हैं, इन सब का आगे जाके बहुत रोल होने वाला है आपकी आगे की क्लासेस में। सो इसलिए हमें ये वाले चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। सो आप इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपको अभी जो नीचे टेबल दिख रही है, हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के क्यूब दी है। सो हाफ इधर है एंड हाफ नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो अभी पहले ये वाली देख लेते हैं। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, ऐसे 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। ऐसे ही फिर यहाँ पे 11 से देख लीजिए, 7 से अगले पेज पर आएगा। सो आप इन सबको रीड कर सकते हैं अपने आप। देखिए यहाँ पे 7 से आगे 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे हमें 20 तक कंप्लीट दिए गए। सो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं अब टेबल से। ईच ऑफ द नंबर 1, 8, 27 8000 इज द क्यूब ऑफ सम इंटीजर और द अदर। अभी हम पढ़ के आए इस टेबल में। सच नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब्स। अब जैसे 8 है तो 8 में मैंने ऐसे करके लिख दिया,
8. सो ये होता है क्यूब का साइन, ऐसे 3 बना के आपको ऐसे बनाना पड़ता है. तो इसका मतलब है कि 8 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, यहाँ हमें पता चल चुका है. अब कैसे होगा वो कि 2 into 2 into 2 जब हम करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा. और यहाँ पे 3 का मतलब है कि हाँ, तीन नंबर एक साथ आने चाहिए. तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स आ चुका है, तो इसका मतलब है कि 2 को जब हम क्यूब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8. तो इसका मतलब है 8 एक परफेक्ट क्यूब है. सो इस तरीके के आपको जैसे मैंने करके दिखाया, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हायर क्लासेस में आते हैं. सो दैट इज आई एम सेइंग दैट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. चलिए अब आगे प्रोसीड करें. आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो सकती है इसमें, लेकिन जब आप इसकी क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब इजीली क्लियर होता चला जाएगा. अ नंबर n इज अ परफेक्ट क्यूब इफ देयर इज एन इंटीजर m सच दैट n इक्वल्स टू m इनटू m इनटू m. यहाँ पे एक और परफेक्ट क्यूब की डिफाइन दी है इन्होंने. ये छोटी छोटी डिफाइंस हैं जो कि आप लर्न कर सकते हैं ताकि आपको आगे जाके कभी भी प्रॉब्लम ना हो. जैसे कि मैंने अभी 8 में करके दिखाया कि 2 into 2 into 2, तो ये उसी तरीके में इन्होंने लिखा हुआ है. सो परफेक्ट क्यूब्स ग्रो वेरी फास्ट एज m ग्रोज फ्रॉम 1 to 20. देखिए जैसे जैसे नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परफेक्ट क्यूब भी बढ़ते जा रहे हैं. यही अभी हमने ऑब्जर्व करा. देखिए 1 पे क्यूब था 1, फिर ये इंक्रीज होता गया और ये 20 पे आ गया 8000. से जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे परफेक्ट क्यूब भी बढ़ता चला जाता है. अप टू 100 देयर आर ओनली 4 परफेक्ट क्यूब्स, और 100 तक सिर्फ 4 परफेक्ट क्यूब्स हैं, ओनली 4. तो जस्ट सी देखिए, क्योंकि 1 8 आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 वैसे 4 ही तो परफेक्ट क्यूब्स हुए 100 तक. फिर 125 तो 100 से बड़ा हो जाता है. सो जस्ट सी कितना ज्यादा डिफरेंस है 100 से छोटे, बस ये 4 नंबर्स के परफेक्ट क्यूब है और कोई नहीं है. सी जस्ट दैट कितना ज्यादा डिफरेंस होता है. तो यही से बताया गया है कि परफेक्ट क्यूब्स बढ़ते चले जाते हैं साथ साथ, एंड 1000 तक, ये जो 1000 लिखा हुआ है यहाँ तक बस 10 परफेक्ट क्यूब्स हैं, क्योंकि ये 10 है तो ये 10 तक पूरे 10 परफेक्ट क्यूब्स हैं बस, उसके बाद उससे ज़्यादा आगे होते हैं. सो यही चीज़ थी इसमें. अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब्स. सो बाय एनालाइजिंग द नंबर्स एंड देयर क्यूब्स इन द टेबल वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब्स. अभी जो हमने ये टेबल पढ़ी है इसको हम जब हम ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, तो आप भी इसको पहले आप प्रॉपर्टीज देख लीजिए. प्रॉपर्टीज देखने के बाद आप उस टेबल को वीडियो पीछे करके दोबारा देखना, तो आप यही सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे जब भी प्रॉपर्टीज में बताई जाएंगी. तो पहला है इफ अ नंबर एंड्स इन डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो उसका क्यूब जो है वो भी सेम डिजिट से एंड करेगा. अगर 0 को जीरो का, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो उसका जो क्यूब है वो भी 0 से एंड करेगा. ऐसे ही इन सारे में है कि जैसे देखिए 10 का क्यूब है तो उसके उसका जो परफेक्ट क्यूब है उसमें भी लास्ट में 0 आ रही है. ऐसे इन सम में आ रहा है, तो ये वाले नंबर्स का आपको ध्यान रखना है. या ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट द डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ, और फिर आपको नंबर दे देंगे
तो आपको फिर अगर आपको ये वाले नंबर दिखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि 9 वाले में 9 है, 6 वाले में 6 है, 5 में 5 है, 4 में 4 है, 1 में 1 है और 0 में 0 है। सो जब ये प्रॉपर्टीज हम करते तो हमारी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, क्योंकि ये हमें कई चीज़ें सिखा देती हैं साथ साथ, जो कि हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पेपर्स में, जैसा कि क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद एन जीरोस विल एंड विद 3n0s। मान लीजिए कि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। देखिए इसको मैं इलेबोरेट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया 200 का होल क्यूब, तो इसके लास्ट में हमें यहाँ पे 2 zeros दिख रही है। तो आप पूछ रहे हैं कि इसके क्यूब में कितनी जीरो आएगी, परफेक्ट क्यूब में कितनी जीरो आएगी। सो हम क्या कर देंगे कि 3 into 0, जितनी भी जीरो है नंबर में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे नंबर में 2 zeros हैं, तो हम 3 into 2 कर देंगे, तो क्या आंसर मिलेगा, 6। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही यहाँ पे जीरोस आई हुई हैं। तो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लीजिए कि 3 into n यहाँ पे नंबर को शो कर रहा है, मतलब कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं। लेकिन अगर आप n नहीं याद कर पाते तो आप जीरो का z याद कर लीजिए कि 3 into जितनी भी जीरोस थी। देन नेक्स्ट, इफ अ नंबर एंड्स इन डिजिट 2 देन इट्स क्यूब विल एंड विद डिजिट 8। इफ नंबर एंड्स विद डिजिट 8 देन इट्स क्यूब विल एंड विद डिजिट 2। सो अगर कोई नंबर 2 से एंड कर रहा है तो उसका जो क्यूब होगा वो 8 से एंड करेगा। और अगर कोई नंबर 8 से एंड कर रहा है, मतलब 8 है या फिर 8 उसका लास्ट डिजिट है, सो वो नंबर 2 से एंड करेगा। तो ये भी हमें एक और नई प्रॉपर्टी पता चली है। और इससे पहले जो हमें पता चली थी कि ये वाले जो नंबर्स हैं इनके क्यूब इनसे ही एंड करेंगे, और 2 का 8 से एंड करेगा और 8 का 2 से एंड करेगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ से। देन आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर एंड्स विद डिजिट 3 तो उसका क्यूब एंड करेगा 7 से, और कोई 7 से है तो वो 3 से एंड करेगा। ऐसे देखिए सारे 3 का 7 और 7 का 3, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, बहुत इजी है इसको लर्न करने का, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब आते हैं क्यूब फोर्थ वाले पॉइंट पे कि दैट क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। कि एक इवन नंबर का क्यूब इवन ही होता है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये वाले। सो इन सब वाले इवन नंबर को जब हम क्यूब करेंगे, जैसे कि यहाँ करके दिखाया हुआ है 2 का क्यूब, तो वो भी इवन ही होगा। 8 एक इवन नंबर है, ऐसी 4 का 64 यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है लेकिन ये 3 है। तो वो 64 होता है, ये भी एक इवन है, और ये 6 भी एक इवन है, और 216 उसका क्यूब भी इवन है। तो वही बात यहाँ पे आपको दी हुई है, मैंने आपको बता दी, आप रीड भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। एक ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही होता है, जैसे कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5 देन 7 देन 9 then 11 then 13 then 15 then 17 then 19 and then so on। ऐसे जो ये वाले नंबर्स होते हैं ये ऑड नंबर्स होते हैं, तो जब हम इनका क्यूब करेंगे तो वो भी ऑड नंबर ही होगा। जैसे 1 का क्यूब 1 ऑड है, 3 का क्यूब 27 ऑड नंबर है, 5 का क्यूब 125 ये भी एक ऑड नंबर है। सो यही चीज़ आपको याद रखनी है आगे के लिए बिल्कुल। और यहाँ पे भी हेयर में ये वाले पॉइंट लिखे हुए, आप इसको रीड कर सकते हैं अपने आप। देन नेक्स्ट है कि द क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव। कि नेगेटिव इंटीजर्स
के क्यूब्स भी नेगेटिव होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ -2 का क्यूब, तो -2 × -2 × -2 क्या बन जाएगा? -8। अभी कैसे बना इसको भी ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले हम -2 × -2 × -2, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो +2 × 2 = 4 इंटू -2, बचा हुआ -2 हमने यहाँ लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, और 4 × 2 = 8 होता है, तो आंसर क्या आ गया? -8। सो ये प्रूफ था। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको प्रूफ करके बताओ, तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं इसको शो करने के लिए कि नेगेटिव इंटीजर्स के क्यूब भी नेगेटिव ही होते हैं। ऐसे यहाँ 5 दिया है, 7 दिया है, और सो ऑन, जितने भी नेगेटिव हो उनका नेगेटिव ही होता है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। सो जितने भी फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको वीडियो स्टॉप करके भी अगर कोई समझ ना आ रही हो तो आप रीड कर सकते हैं, आपको फॉर श्योर समझ में आ जाएगी। देन यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, और इसे अपनी रफ नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दैट परफेक्ट स्क्वायर्स आर नेवर नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते। देखिए अगर मैं बोलूं कि 2 का होल स्क्वायर या फिर -2 का होल स्क्वायर अगर मैं बोलूं, तो -2 × -2 वो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, तो +2 × 2 = 4। देखिए तो नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते, लेकिन क्यूब्स नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अभी मैंने आपको यहाँ पे करके बताया था एग्जांपल -2 के होल क्यूब का ये वाला, तो इसलिए ये नेगेटिव हो सकते हैं। वहीं परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कहीं लिख सकते हैं, आगे के लिए बहुत काम आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट क्यूब व्हेन ग्रुप टुगेदर इन ट्रिपलेट्स ऑफ सेम फैक्टर्स नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर। इसका मतलब क्या है? देखिए 64 है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहीं पर ही। 64 2 से 2 3 = 6 2 2 = 4 फिर 2 से 2 1 = 2 2 6 = 12 फिर 2 से 2 8 = 16 फिर 2 से जाएगा 2 4 = 8 फिर 2 से 2 2 = 4 एंड देन लास्ट 2 1 = 2। तो देखिए 64 एक परफेक्ट क्यूब है, ये हमें पता है। और जब हम इसके फैक्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 times यहाँ क्यूब आ रहा है, 3 times यहाँ क्यूब आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं 3 3 का। जैसे स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता है, यहाँ पे 3 3 का बनता है, और फिर इनमें से एक एक हम ले लेंगे। इसमें से मैंने लिया, इस वाले में से मैं लिया 8 2, देन मल्टीप्लाई का साइन, और इसमें से मैंने लिया 1 2, तो क्या बन गया? 4। और 64 4 का ही क्यूब होता है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो इसमें क्या बोला है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब है
और उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका कोई भी फैक्टर पेयर बनाने के बाद अकेला नहीं बचता। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसमें फैक्टर बच जाएगा। तो ये भी एक पहचान है हमारे कि कोई परफेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि चेक वेदर दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब और नॉट, सो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 3-3 के पेयर बनाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए एक और 2 यहाँ पे रह गया, एक इमेजिनरी बात कीजिए कि यहाँ पे एक और 2 रह गया, जिसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो ये चेक करने का तरीका है, थस ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब। तो यही बात बोली गई है यहाँ पे भी। देन यहाँ पे एक लेट्स इंटरप्रेट दिया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है तो इसको आप खुद रीड कर सकते हैं, बहुत इजी है, यही बात की गई है यहाँ पे भी। सो आप इसको अपने आप भी रीड कर सकते हैं, लैंग्वेज बहुत इजी है। देन हम बढ़ते हैं 8th पॉइंट की तरफ। सो 8th पॉइंट देखिए इसमें क्या लिखा है, दैट द क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर इज द क्यूब ऑफ इट्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। सो किसी रैशनल नंबर का क्यूब क्या होता है, उसका न्यूमरेटर डिवाइड बाय द क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। कि न्यूमरेटर का क्यूब डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के क्यूब से, ऐसे कि यहाँ शो करा हुआ है 2/3 एक रैशनल नंबर है, तो इसका अगर हमें क्यूब करना हो तो हम न्यूमरेटर का भी क्यूब कर देंगे और डिनोमिनेटर का भी क्यूब कर देंगे। जैसे कि यहाँ करके लिखा है 2, ये इसका हमें क्यूब करना था तो हमने पहले ऐसे साइन डाला, अब हम इनको इसको ब्रैकेट को हटा के 2 पे भी क्यूब लगा देंगे और 3 पे भी क्यूब लगा देंगे। अब इन दोनों को आप क्यूब सॉल्व कीजिए कि 2 × 2 × 2 और यहाँ पे 3 × 3 × 3, तो मल्टीप्लाई करके 8/27 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 5/7 का दिया है, इसको भी ऐसे करा गया है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 8। अब आते हैं 9th पे, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स ए एंड बी। अगर ए का क्यूब कर रहे हैं इंटू बी का क्यूब, तो इसका ये किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के होल क्यूब के। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, टू का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो ये किसके इक्वल होते हैं, 2 × 3 के होल क्यूब के। और यहाँ पे भी ऐसे ये 8 × 7 × 27 का होल क्यूब। सो अगर मैं ऊपर वाला सॉल्व करूँ 3 × 6 का होल क्यूब कर दीजिए तो वो इसके इक्वल होगा। सो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ऐसे ये वाला जो इन्होंने इस एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया आप इसमें इसको लर्न कर सकते हैं। सो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, आपके लिए कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन भी टाइप्ड है, सो इफ़ यू वांट इसी वीडियो से रिलेटेड है, जो जो इस वीडियो में बताया गया वही रिलेटेड है,
जैसे कि एक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा क्वेश्चन का, ताकि आपको ये ना लगे कि ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहीं पर ही मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। जस्ट अ मिनट। यस जस्ट सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज डैश। तो इस तरीके का आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बहुत इजी है, इसका आंसर तो यहाँ पे मैं ही बता रहा हूँ। इज ऑलवेज ऑड। तो ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो जैसे कि ये है, ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएंगे। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।